दोस्तों हम पाइथन के बारे में पढ़ रहे थे, अब से प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ कमांड्स हैं, इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, थोड़े कोर कॉन्सेप्ट्स हैं पाइथन के बारे में। मैं आपको इलैबोरेट भी करता रहूँगा और आपको बताता भी रहूँगा कि जो भी सिंटैक्स हैं वो कैसे इंप्लीमेंट करने हैं, कैसे एग्जीक्यूट करने हैं। हम पाईचार्म की मदद से पाइथन के कोड लिखेंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी पाईचार्म इंस्टॉल कर लिया होगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले जो बेसिक है सिंटैक्स है वो है प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट मतलब आपके पास मान लिया कोई कंसोल है या मान लिया चीज प्रिंट करवानी है आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से आप उसको लिखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सिंटैक्स आईडी में लिखेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको इसका एग्जांपल एक कर, यहाँ पर है प्रिंट स्टेटमेंट, हम लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये जो बटन है ये रन का बटन है, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंसोल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है दोस्तों। मान लिया आपने कुछ और प्रिंट करना है, हेलो मिनी, इसको क्लिक करेंगे रन करेंगे हेलो मिनी प्रिंट हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, मान लिया आपने यहाँ पर लिख दिया यू गाइज आर ऑसम, ठीक है, क्लिक किया यू गाइज आर ऑसम, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों जो ये है प्रिंट, ये सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। जो बीच में हमने अपना मैसेज टाइप करना है, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में हमें अपना मैसेज ऐड करना है, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स हो गया, ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट का। तो जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, सबसे पहले आप प्रिंट लिखेंगे ऑल स्मॉल लेटर्स में, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, इसके बीच में आप अपना मैसेज लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। जो दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं जैसे जावा वगैरह होता है, उसमें डॉट एंड कॉलन, सेमी कॉलन बोलते हैं ना इसको, सेमी कॉलन आता है, इसका मतलब होता है एंड ऑफ लाइन। बट ऐसा कोई भी कंसेप्ट पाइथन के अंदर में नहीं है, ठीक है। पाइथन डिटेक्ट कर लेता है कि जब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है तो उसको एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। क्योंकि ये हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है, इसके बीच में जो ये इन्वर्टेड कॉमास हैं ये डबल कोट होने ज़रूरी नहीं है, आप इसको सिंगल कोट भी कर सकते हो। मान लिया आपने प्रिंट लिखा यहाँ पर, प्रिंट यहाँ लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जिस तरह का आपने कोमा यूज़ किया उसी से ही आपको एंड करना है। अगर यहाँ पर आपने डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ किए हैं तो यहाँ पर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा से ही क्लोज करना है। अगर यहाँ पर आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से यूज़ किया तो यहाँ पर आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से ही क्लोज करना है। इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सेकंड कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं इंडेंटेशन के बारे में, इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट है। अगर मान लिया आपने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है और इसके बाद में आपने थोड़ा सा स्पेस दे दिया, ठीक है, देखो पहले ही इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया है कि कुछ एरर है यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा रेड दिखा रहा है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। आप जब आप इसको रन करने की कोशिश करेंगे इंडेंटेशन एरर दे देगा, ठीक है। इंडेंटेशन इज इम्पोर्टेंट कि आपने इंडेंटेशन आपने कैसे उसको इंडेंट करना है, ठीक है। तो इंडेंटेशन क्या है, स्पेसिस एट द बिगनिंग ऑफ द कोड और द लाइन, मीन्स द ब्लॉक ऑफ कोड। जब भी मान लिया ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है, ये आपका आईडीई है, ठीक है, इसके अंदर आपने लिखना स्टार्ट करना है तो आपको स्टार्टिंग के स्पेस का ध्यान देना पड़ेगा। आप यहाँ पर अगर लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, तो ये स्पेस की वजह से यहाँ पर आपको इंडेंटेशन एरर आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना, जो भी स्टेटमेंट है आपका यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। ऐसे ही अदर कंडीशंस हैं, ऐसे ही अदर स्टेटमेंट्स हैं, जब आप इफ़ ब्लॉक को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आप इफ़ के बाद में जो नेक्स्ट स्टेटमेंट देंगे तो इसके बीच में यहाँ पर स्पेस होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में आपको बताता रहूँगा, ठीक है। अभी थर्ड है इनपुट के बारे में, ठीक है। मान लिया टू गेट द यूज़र इनपुट, ठीक है, इसका मतलब है अगर हमने यूज़र से किसी तरह का इनपुट लेना है, मान लिया आपने किसी से पूछा हेलो व्हाट इज़ योर एज, यूज़र को अलाउ करेगा यहाँ पर अपना कोई इनपुट देने के लिए, ठीक है, चाहे वो न्यूमेरिक हो, अल्फा न्यूमेरिक हो, चाहे वो
अल्फ़ाबेट्स हों या कोई स्पेशल करेक्टर्स हो, ठीक है। तो ये इनपुट स्टेटमेंट से क्या होगा, जो यूज़र होगा वो कुछ भी एंटर कर सकता है। मीन्स अगर हमने यूज़र से कुछ पूछा है कि आप यहाँ पर कुछ एंटर करो, ही इज़ एबल टू पुट समथिंग ऑन दिस। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के बाद आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। देखो मान लिया, इसको हम क्लीन कर देते हैं। यहाँ पर हमने लिखा इनपुट, आपने यहाँ लिखा व्हाट इज योर एज, ठीक है। यहाँ पर आपने रन किया, नाउ इट इज़ अलाउइंग अस टू राइट एनीथिंग, ठीक है। इट मे बी न्यूमेरिक, ये न्यूमेरिक भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, या अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम एंटर करेंगे, नाउ द प्रोसेस इज फिनिश्ड, ठीक है। इसका मतलब है कि इट हैज़ अलाउड द यूज़र टू एंटर समथिंग, ठीक है, सिंपल सी बात। अब आपको मैंने तीन चीज़ों के बारे में बता दिया, प्रिंट के बारे में, इंडेंटेशन के बारे में और इनपुट के बारे में। तीन चीज़ों का खास कर ध्यान रखना दोस्तों। हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कमेंट्स। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अच्छे प्रोग्रामर का, ठीक है। मान लिया आपने कोई आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिखा है, ठीक है। अब उस प्रोजेक्ट को समझने के लिए आप क्या करेंगे, हर लाइन के साथ में या कोई भी ब्लॉक होगा जो कोड का, उससे पहले आप कमेंट्स ऐड करेंगे कि ये नीचे वाला फंक्शन या नीचे वाली स्टेटमेंट क्या कर रही है, ठीक है। अब आप इसमें लिख देंगे दिस स्टेटमेंट इज यूज टू आस्क यूजर टू एंटर हिज एज, ठीक है। अब ये देखो, इट इज़ अ मैसेज ओनली जो हमें बता रहा है कि ये वाला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम ऐसे स्टेटमेंट डायरेक्ट लिख देंगे तो इट इज़ एन एरर, ये एरर शो करेगा, दिस स्टेटमेंट इज, ठीक है, इनवैलिड सिंटैक्स। तो बट हमने इसको ऐड करना है, तो उसके लिए हम एक हैश टैग डाल देंगे, ठीक है, हैश डाल देंगे। तो जिसका मतलब है कि हैश के बाद में जो भी लिखा हुआ एक मैसेज है, इट इज़ अ कमेंट। तो जब भी इंटरप्रेटर कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, कंपाइल करेगा या इंटरप्रेट करेगा, तो हैश के बाद की जो मैसेज है, इट विल इग्नोर दैट मैसेज, ठीक है, उस मैसेज को वो इग्नोर कर देगा और वो डायरेक्टली इंटरप्रेटर स्टेटमेंट पे जंप करेगा, ठीक है। दो, ये जो मैसेज है कमेंट का, ये कहीं पे भी एग्जीक्यूटेबल कोड में कहीं पर भी प्रिंट नहीं होगा। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो जैसे ही मैंने रन किया है, रन करने के बाद में एंटर किया, ठीक है, तो यहाँ पर ये मैसेज कहीं पे भी प्रिंट नहीं हुआ। दिस मैसेज, जो ये मैसेज है, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, ठीक है। ऐसे ही जब हम बड़े बड़े काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स लिखेंगे तो उसमें हम कमेंट्स डालेंगे ताकि जो अदर यूज़र हमारे कोड को पढ़ेगा उसको वो कोड समझ आ सके कि ये नीचे वाला फंक्शन क्या कर रहा है, ठीक है। तो कमेंट्स का मतलब सिंपल यही होता है, ठीक है, कि किस पर्पस के लिए हमने ये स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है, वो पर्पस हम कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि वो कमेंट क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ऐसे ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया, ऐसे ही मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स में देखिए, ये इन्वर्टेड कॉमास हैं, ये थ्री हैं, ठीक है। आपको इसका भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने ये किया, थ्री इन्वर्टेड कॉमास किए, ठीक है। इसके बाद में आपने यहाँ पर लिख दिया दिस इज़ अ कमेंट, एंटर किया, व्हाट इज़ योर एज आ गया, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो ए कमेंट, दिस इज़ ऑल्सो ए कमेंट, ठीक है। यहाँ पर ये डबल इन्वर्टेड कॉमास हैं, ठीक है, ये भी करके आप देखेंगे, ठीक है, इसको भी आप लिखेंगे, तो ये भी एक तरह से कमेंट है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये थ्री इन्वर्टेड कॉमास हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास हैं, ये भी एक तरह से कमेंट है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इज ऑल्सो ए कमेंट, ठीक है दोस्तों। दिस इज अ कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, दिस इज ए मल्टी लाइन कमेंट।